दर्शक मित्रों, आज हम डॉक्टरी फील्ड में पढ़ने वाले लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। अगर आपको विदेश में MBBS करना है तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। हमारे साथ में आज सूरत के एजुकेशन फील्ड में 7 ईयर्स से जो काम कर रहे हैं और फ्लाई फॉर यूनिवर्सिटी के CEO और फाउंडर है और अल्फाबेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर है सुनीता जुनेजा नंदवानी। सुनीता जी, आप मुझे बताइए कि MBBS के लिए विदेश क्यों जाना पड़ेगा, विदेश क्यों जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में भी अगर MBBS की इतनी सारे कोर्सेज है, सारी कॉलेजेस है। नमस्कार जी। राजेश जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि विदेश क्यों जाना चाहिए। इस साल इंडिया में 13,40,754 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है नीट का, जबकि इंडिया में सीट्स अवेलेबल हैं सिर्फ 70,000, तो बाकी सब बच्चों का क्या। कई बच्चे तो ड्रॉप लेने की सोचते हैं, कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं जिनका नीट का स्कोर कम होता है, या वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो ये सोचते हैं कि वो ड्रॉप लेंगे। उनके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है MBBS अब्रॉड, विदेश में जाके MBBS करना। इसके अलावा और कोई, इससे अच्छा कोई और रास्ता हो ही नहीं सकता है, जिससे हर बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके सुनीता, अगर मुझे जाना है किसी को फॉरेन MBBS करने के लिए, तो उनको क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा और क्या क्या तैयारी उनको करनी पड़ेगी? जी देखिए राजेश जी, किसी भी बच्चे को अगर MBBS करने के लिए अब्रॉड जाना है, उसका नीट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्वालिफाई होना, हमारे इंडिया में नीट की एग्ज़ाम 720 मार्क्स की होती है, जिसमें से बच्चे को 134 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। अगर वो कैंडिडेट SC ST है तो सिर्फ 107। उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका स्कोर 600 आया है कि नहीं आया, 500 आया है कि नहीं आया, अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मात्र 134 नंबर लाने से ही उसको अब्रॉड में एडमिशन मिल जाएगा। ओके फाइन। सुनीता जी, मुझे आप ये बताइए कि कौन कौन सा देश है जहाँ MBBS की अपॉर्चुनिटीज़ है इंडियन स्टूडेंट के लिए? जी बिल्कुल, रशिया है, चाइना है, यूक्रेन है, फिलीपींस में अभी खुद होके आई थी 1 महीना पहले। मैंने काफ़ी सारे देशों का खुद से जाके दौरा किया है ताकि मुझे पता चले कि उन देशों में बच्चों के साथ किस तरह से बच्चे वहाँ पे रहते हैं और किस तरह से वो पढ़ाई करते हैं। तो ये कुछ देश है जहाँ पे बच्चे अच्छी तरह से अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। ओके जी। सुनीता, आप ये बताइए कि कॉस्टिंग क्या क्या होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं कहीं देशों में अलग अलग हो सकती है, ब्राज़ील में हो या अमेरिका हो, या कंट्री वाइज अलग अलग हो सकता है, क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल, कंट्री वाइज कॉस्टिंग अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर हम सेंट्रल अमेरिका की बात करें, वहाँ की कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर होती है, बट वहाँ से बच्चे डायरेक्ट USFMLE की एग्ज़ाम देके USA सेटल हो सकते हैं। ये उनका गेटवे खुलता है एक USA जाने की तरफ, अगर उनकी इच्छा USA में सेटल होने की है तो। बाकी देशों की बात करें तो पैकेज लगभग 20 से 30 में ख़त्म हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। जबकि इंडिया में अगर बच्चे का स्कोर 134 है तो उसको 20 से 25 लाख तो सिर्फ डोनेशन देनी पड़ती है, एंड उसका खर्चा 2 करोड़ तक आता है इंडिया में। इसीलिए डोनेशन के पैसे में ही बच्चा विदेश से पूरी MBBS कंप्लीट करके वापस आ सकता है। ओके, दर्शकों को और ये भी जानना है कि अगर वहाँ उन्होंने डिग्री, विदेश में उन्होंने डिग्री ले ली, तो क्या ये डिग्री इंडिया में उनके लिए वैलिड होगी, क्या ये यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी, ये बहुत ज़रूरी और अहम सवाल है। इंडिया में वो डिग्री वैलिड है, बट बच्चे को FMGE यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पहले वो विदेश में पढ़ेंगे, वहाँ से MBBS की डिग्री उनको मिलेगी, यहाँ पे आके अगर वो FMGE का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो ही उनको MBBS की डिग्री इंडिया में दी जाती है, इंटर्नशिप फिर वो इंडिया में कंप्लीट करते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये सुनीता जुनेजा नंदवानी ने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, हो सकता है आपके लिए बहुत बेनिफिट हो। अगर आप उन कुछ जानना चाहते हैं तो आप उनका संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सुनीता, आप खबरसे.com पे आए। जी धन्यवाद राजेश जी, एंड प्लीज़ मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी बच्चों को, सोच समझ
कर ही किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, अपना माइंड यूज़ करें। कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो पहले ये चेक करें कि वो MCI अप्रूव्ड होनी चाहिए। किसी भी कंसल्टेंट को पूरा पैसा कभी भी नहीं दें। पैसा हमेशा ईयरली पेमेंट के बेसिस से जाता है, फीस के बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे जाता है। कहीं भी गलत हाथों में ना फंसे। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फ्लाई फॉर यूनिवर्सिटी, सिटी लाइट में मेरा ऑफिस है। थैंक यू।